आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, और यहाँ पर है हमारे पास दो पार्टनर, पहला पार्टनर है राजेश और दूसरा पार्टनर है महेश। जल्दी से इनकी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर पाए। तो क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है जो कि कितना है 3:2, ठीक है, और जो न्यू रेशियो गिवन है हमारे पास वो इस क्वेश्चन में कहा गया है इक्वली, तो इक्वली का मतलब हो गया 1:1। अब हमारे पास दो कंडीशन है इस क्वेश्चन में, पहले बात कर रहे हैं गुडविल के बारे में। गुडविल के लिए उन्होंने कहा कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 36,000। तो जब भी हमारे पास गुडविल लिखा हो कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, और केस में कुछ नहीं बताया कि हमें गुडविल का क्या करना है, तो हम हमेशा उसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमें चाहिए होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग मेथड से। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी रहे हैं, तो ओल्ड माइनस हमें क्या करना पड़ेगा न्यू रेशियो को करना पड़ेगा, है ना। तो इससे हमारे पास गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि भाई बिल्डिंग एट द ₹90,000, तो हमारी जो बिल्डिंग की प्रेजेंट में कीमत है वो कितनी है, ये कहते हैं 90,000 है, ठीक है, 90,000 की अभी प्रेजेंट में हमारी बिल्डिंग की कीमत है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो पहले कितनी थी, पहले थी हमारी बिल्डिंग की कीमत 72,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंस देखना है, तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, ये जो ₹18,000 हैं, अब इसको क्या करना चाहिए भाई, कंपनी को फायदा हुआ है तो फायदा होने पर वो पैसे पे अधिकार किसका है, पार्टनर्स का है। पार्टनर्स को ये पैसा किस रेशियो में मिलेगा, उनके ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, कायदे से तो ये 18,000 ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए। लेकिन एक मिनट रुकते हैं और यहाँ पर एक एंट्री पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कहते हैं पास द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री विदाउट द अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ द बिल्डिंग। ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी में जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये अगर हम पार्टनर में बांटते हैं तो हमें कंपनी के अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा कि हमने पार्टनर्स को पैसा दिया। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी एंट्री पास करो कि कंपनी में हम ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट ना दिखानी पड़े, वो पार्टनर्स के बीच में सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, यानी कि हमारी बुक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी हमें इसमें ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब ये कहते हैं कि भाई हमें बुक में कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए, तो हम उस कंडीशन में भी जो भी हमारा प्रॉफिट है या लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में, है ना। तो यानी कि हमें गुडविल भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में करनी है, और जो हमारा 18,000 का प्रॉफिट है ये भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। चलिए इसे रखते हैं हम फटाफट से साइड में अमाउंट को ध्यान में रखने के लिए, और फटाफट से क्या करते हैं हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। जो हमारे पास पहला पार्टनर है वो कौन है, वो है राजेश। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राजेश की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा राजेश और उसका ओल्ड शेयर जो कि कितना है 3, ठीक है, और टोटल डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5, माइनस क्या करेंगे हम, करेंगे 1/2, ठीक है, क्योंकि उसका नया शेयर कितना है 1, तो 1/2 हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका आंसर निकालेंगे। इसको सॉल्व करने में हमारे पास कितना आएगा, 1/10 आएगा, जो कि क्या है प्लस में है। जब भी हम सेक्रीफाइसिंग मेथड का यूज करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो यहाँ पे जो आंसर अगर प्लस में आया तो मतलब ये पार्टनर कंपनी में क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर चला जाता है एंट्री करते वक्त क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी दूसरे पार्टनर्स का भी हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि कौन है, महेश। महेश का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/5, इसी तरह इसका जो न्यू शेयर है वो है 1/2, ठीक है। अभी हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 1/10। जब भी हमारा आंसर माइनस में आएगा तो इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन करने वाला पार्टनर हमेशा चला जाता है डेबिट साइड, यानी एंट्री जब करेंगे तो डेबिट चला जाएगा। अब हमें क्या करनी है, अब फटाफट से गुडविल की देखते हैं कि किसको कितना पैसा गुडविल का मिलने वाला है। तो गुडविल का जो अमाउंट था हमारे पास वो कितना था, वो था हमारे पास 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इस पार्टनर से, जो कि क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो हमें पता चला ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3600 यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं दोबारा से करके 36,000 × 1/10 फॉर द महेश ऑल्सो। तो महेश भी क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है, लेकिन कितना गेन कर रहा है, 3600 गेन कर रहा है ना। तो अब हमने अमाउंट तो पता कर लिया कि भाई गुडविल का जो अमाउंट है वो 3600 दोनों में एडजस्ट करना है, एक गेन कर रहा है एक सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट चला जाएगा, यानी कि इसकी अगर हम एंट्री करें तो यहाँ पे एंट्री आएगी महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। अब एक अमाउंट आएगा डेबिट में 3600,
और दूसरा भी 3600। अभी हमें नरेशन लिखनी है। नरेशन में हम क्या लिखने वाले हैं? नरेशन में हम लिखेंगे जो भी एक्टिविटी हमने करी है, हमने यहाँ पे गुडविल को एडजस्ट करा है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अभी आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट एंट्री पे, जो कि किससे रिलेटेड है। वो 18,000 का प्रॉफिट अभी भी हमें याद है, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि भाई 18,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ है उसका क्या करें? उसका हमें छोटी सी चीज करनी है कि भाई वो भी पार्टनर्स में एडजस्ट करना है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 18,000, एक पार्टनर गेन कर रहा था 1/10, फिर दोबारा लिखते हैं 18,000 × 1/10, एक पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा था, तो यहाँ पर आएगा 1800 और यहाँ भी आएगा 1800। अब बस हमें फिर से क्या करनी है, एक जनरल एंट्री करनी है, बस ये चेक कर लेंगे कि भाई कौन सा पार्टनर डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। महेश जाएगा डेबिट, क्योंकि वो गेन कर रहा है, तो वो ये प्रॉफिट भी क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एंट्री आएगी 1800 और 1800 की, ना 18,000 की नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, फिर से सेम एंट्री आएगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा इस बार। तो हमारे पास जो एंट्री बनने वाली है वो बनेगी महेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट कितना अमाउंट आने वाला है, यहाँ पे आएगा 1800, फिर आएगा दोबारा से 1800। टू क्या लिखेंगे, टू राजेश लिखेंगे, टू राजेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गई हमारी एंट्री। अब हमारा एक छोटा सा काम है कि भाई दोनों एंट्री सेम है एक्चुअली, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। एक तो अमाउंट से तो पता चल ही रहा है, लेकिन कभी कभी कॉन्सिडेंटली अमाउंट सेम हो जाते हैं, तो हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं भाई, नरेशन के थ्रू। तो हम नरेशन में यहाँ पे लिख के बताएंगे, बीइंग रिवैल्यूड हम यहाँ पे एडजस्टमेंट नरेशन में लिख देंगे, बीइंग रिवैल्यूड अमाउंट एडजस्टेड, या फिर एसेट अमाउंट एडजस्टेड, बीइंग एसेट अमाउंट एडजस्टेड। भाई हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सिंपल सिंपल आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है ना, एडजस्टमेंट एडजस्टेड लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से होना है, बहुत सिंपल है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।